केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्रोमियम के कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स डिस्कस किए थे। इनकी हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने एनालाइज किया था। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग वहीं से बात आगे एक तरह से लिंक कर रहे हैं। आज हम मैंगनीज के इसी तरीके के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। और जिस तरह आपने देखा था कि क्रोमियम जो था, क्रोमियम बेसिकली जो क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स थे आपके पास क्रोमिक एसिड के, ठीक है, क्रोमिक और डायक्रोमिक एसिड के सॉल्ट्स थे। इसी तरह आपके पास ये जो मैंगनीज है ना, इसके जो सॉल्ट्स होते हैं आपके पास पर मैंगनिक एसिड, इसका आपके पास सॉल्ट होता है एक पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है और ये कैसे अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये मैंगनीज जो है, जो आपको अगर याद आप करो, जो सबसे पहले हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। और जब भी आप मैंगनीज पे पहुंचते थे तो आपके पास हमेशा एक एनोमलस बिहेवियर हुआ करता था, एनोमलस बिहेवियर होता था, या तो ग्राफ सीधे नीचे आ रहे होते थे, मैंगनीज पे आके वो शिफ्ट कर जाते थे और फिर आके वो कंटिन्यू हो जाते थे। और मैंगनीज का ये बिहेवियर क्यों था, मैंगनीज की ये बिहेवियर होने की वजह आपको मैं पीछे, अगर आप उन्हीं लेक्चर्स में जाओ तो आपको डिटेल में बता चुका हूँ, यहां से एक दफा फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंगनीज आपका जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 25, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसके 4s में 2 एंड उसके बाद 3d में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। 3d में 5, इस तरह के आपके पास हुंड्स रूल को अगर आप फॉलो करो तो ये सारे सेम स्पिन के साथ 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब होता यह है कि ये सारे आप रिमूव कर सकते हो, ये अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उस सिचुएशन में ये 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर देंगे हम इसके अंदर से। ये 3b शो करता है, 4b, 6b और 7b, ठीक है। आज जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज के डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे जो कॉमन है आपके पास, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 7 है। आज हम ये चारों डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंगनीज ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको मैं ये बताऊं कि जब मैंगनीज ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, तो उस केस में ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉक ऑफ हो चुके हुए होते हैं, ठीक है, नॉक ऑफ। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ही इसके अंदर से निकल जाएंगे, सॉरी आपको विजिबल नहीं होगा यहां पे, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सारे ये नॉक ऑफ हो जाएंगे इन केस ऑफ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि D0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। आप पीछे कॉन्फ़िगरेशंस भी इस चैप्टर के स्टार्ट में देख चुके हो। तो D0 जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें आपके पास जो DD ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होती। तो आप फिर क्या सोच रहे होगे कि जो मैंगनीज के जितने भी वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कोई कलर शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिंक क्लोराइड का कलर आपके पास व्हाइट होता है, उसकी वजह बिकॉज जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो कर रहा है, और जिंक जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास शो कर रहा होता है तो बेसिकली उसके डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इस डी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहां पे चूंकि D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि मैंगनीज का कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका फिर भी एक कलर होता है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, डी ट्रांजिशन के अलावा और भी कलर गिविंग के लिए फिनोमिनाज होते हैं इसके अंदर। डीपी के अंदर भी आपसे डी से पी के अंदर और पी टू डी भी आपके पास एक ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो इसमें वो वाली ट्रांजिशन होती है सिचुएशन में जब मैंगनीज के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपके जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स ये शो करता है, एक तो आपके पास मैंगनेट आयन होता है, मैंगनेट आयन आपके पास होता है MnO4 विद अ पावर ऑफ -2, ठीक है। ये सिंपल मैंगनेट है, और मैंगनेट आयन को अगर आप एनालाइज करो, यहां पे मैंगनीज की मैं वैलेंसी को एक्स कर लेता हूं, लेट्स से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, यहां पे 4 ऑक्सीजन की -8 हो जाएंगे, आंसर आपका -2 है। इसका मतलब है यहां पे मैंगनीज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 शो कर रहा है। एक और मैंगनीज का सॉल्ट है जिसके आपके अंदर मैंगनेट -1 शो करता है, ये आपके पास था मैंगनेट, और ये जो अभी नीचे मैंने आपके पास लिखा है ये आपके पास है पर मैंगनेट,
ठीक है, जिस तरह आप कहते हो कि आपके पास एक ऑक्साइड होता है जहां पे नेगेटिव टू ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ऑक्सीडेशन, और यहां पे आप नेगेटिव वन शो करता है पर ऑक्साइड के अंदर, उसी तरीके से यहां पे पर मैंगनेट के अंदर नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। और नेगेटिव वन से अगर आप यहां पर एनालाइज करो मैंगनीज यहां पर सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, चार ऑक्सीजन नेगेटिव एट, तो रिजल्टेंट आपका माइनस वन आ रहा है। ठीक है, तो मैंगनीज यहां पर सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहां पे सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंगनीज के आपके पास मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक तो आपके पास है पायरोलुसाइट, ठीक है, जिसके अंदर जिसका फॉर्मूला आपके पास सिंपली मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और इसके अंदर आपके पास मैंगनीज, चूंकि ये कंपाउंड है यहां पे मैंगनीज प्लस फोर होना चाहिए ताकि दो ऑक्सीजन को वो बैलेंस आउट करें नेगेटिव फोर से। ठीक है, तो यहां पे मैंगनीज जो है वो फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। इसके अलावा मैंगनीज के कुछ और भी सॉल्ट होते हैं लाइक मैंगनीज सल्फेट, जिसके अंदर मैंगनीज जो है मैंगनीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अभी आगे हम आने वाले रिएक्शन के अंदर डिटेल में देखेंगे कि मुख्तलिफ सॉल्ट जो है ये कैसे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज चेंज करता है। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अगर रिकॉल करो, आपको मैंने बताया था कि सिंपली चार्ज का इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑफ चार्ज आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वैसे तो आपके पास होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास इंक्रीज इन चार्ज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपके मैंगनीज सिक्स को मैंने लिया और मैं उसको किसी तरीके से अगर मैं मैंगनीज सेवन में ट्रांसफॉर्म कर दूं मैंगनीज सिक्स को, तो बेसिकली मैं ऑक्सीडेशन करूंगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लाइक लास्ट टाइम हम लोग जब पोटेशियम क्रोमेट को डिस्कस कर रहे थे, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कोई एक कंपाउंड लेते थे क्रोमियम थ्री वाला, क्रोमियम थ्री जहां पे क्रोमियम ट्राइवेलेंट अपना कंपाउंड शो कर रहा होता है, तो जहां पे आपके पास क्रोमियम ट्राइवेलेंट होता है हम उसका कोई सॉल्ट लेते थे, फॉर एग्जांपल हम Cr2O3 लेते थे, और उसके अंदर फिर हम क्या करते थे उसको हम ऑक्सीडाइज करते थे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, फॉर एग्जांपल हमने पोटेशियम क्लोराइड यूज किया था उसके लिए इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अगर आप लास्ट लेक्चर में रिकॉल करो तो बहुत डिटेल में आपको रिएक्शन मैंने समझाए थे। अब अगर ये आपके पास क्या बनाता था, यह आपके पास पोटेशियम क्रोमेट सिंपली बना देता था पोटेशियम क्लोराइड और आपके साथ वाटर प्रोड्यूस करता था। अगर आप इसको एनालाइज करो रिएक्शन को, तो यहां पे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है, दो क्रोमियम यहां पे प्लस थ्री टू थ्री टू जर सिक्स एंड थ्री माइनस टू जर माइनस सिक्स, यहां पे क्रोमियम थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और यहां पे अगर आप इस वाले रिएक्शन के अंदर आप देखो तो क्रोमियम यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, सिक्स शो कर रहा है। क्रोमेट्स और डायक्रोमेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की सिक्स होती है। अब देखो ये जो थ्री से सिक्स हुई है ये बेसिकली क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है इसको और क्रोमियम को ऑक्सीडाइज करके ये कर दिया, खुद वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्लोरीन यहां पे, क्लोरीन का चार्ज जो है वो यहां पे नेगेटिव वन है और यहां पे इसका चार्ज क्या है, यहां पे प्लस वन, इस कंप्लीट का चार्ज है नेगेटिव वन, इसका मतलब है यहां पे क्लोरीन सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। सो सेवन से नेगेटिव वन पे आया है, इसका मतलब है यहां पे ये रिड्यूस हो रहा है खुद पोटेशियम क्लोरेट। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप वहां पे क्रोमियम थ्री के कंपाउंड्स यूज करते हो, यहां पे आप पायरोलुसीट यूज करते हो। ठीक है, पायरोलुसीट आप यूज करते हो बिकॉज उसमें जो आपके पास मैंगनीज जो होता है ना वो टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, सॉरी फोर ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर रहा होता है। आप पायरोलुसीट से बात स्टार्ट करते हो और पायरोलुसीट के अंदर आप इसी तरीके से कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो जो कि उसको ऑक्सीडाइज कर दे, और अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हो। ठीक है, और अब ये क्या करेगा कि बेसिकली पोटेशियम क्लोरेट जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा इस मैंगनीज फोर को और इसको मैंगनीज सिक्स में चेंज कर देगा, और मैंगनीज सिक्स आपके पास जो सॉल्ट बनाता है वो आपके पास ये वाला सॉल्ट बना देगा K2MnO4 यानी पोटेशियम मैंगनेट, साथ में आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा जिस तरह उस केस में आपके पास ऊपर हुआ। तो बेसिकली आप लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर के जितने भी आपके पास इक्वेशंस हैं उन सबको आप लिंक कर सकते हो इस लेक्चर के इक्वेशंस के साथ। ठीक है, इसी तरीके से जब आपके पास पोटेशियम मैंगनेट आ जाता है ना, इसको आप या तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीडाइज करा सकते हो या आप इसमें कर सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट से कर सकते हो, आपने लास्ट टाइम भी पोटेशियम नाइट्रेट से किया था, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्रोमेट्स के केसेस में ब्रोमीन को यूज किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, इस दफा आप ऑक्सीजन को इटसेल्फ यूज करो ऑक्सीडाइज करने के लिए मैंगनीज। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड पायरोलुसाइट, इसके अंदर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो ऑक्सीडाइज कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो अगेन आपके पास K2MnO4 जो कि पोटेशियम मैंगनेट है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपके पास वाटर। अब पोटेशियम मैंगनेट जब आपके पास आ जाता है, अगर इससे आपने पोटेशियम परमैंगनेट बनाना हो, परमैंगनेट, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके पास परमैंगनेट होता है इसके अंदर जो आपके पास मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सेवन होता है और मैंगनेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स होता है, इसका मतलब है आपने मजीद इसको ऑक्सीडाइज करना है। मजीद ऑक्सीडाइज आप ऐसे करते हो कि सिंपली इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हो, यानी आप
कोई भी सिंपल मैंगनेट लो, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, तो बेसिकली आप उसको पर मैंगनेट के अंदर चेंज कर दोगे, ठीक है। यानी यहां पे पोटेशियम मैंगनीज 6 से मैंगनीज 7 में चेंज हो रहा है, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट में चेंज हो रहा है, और सर K2SO4 और साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ठीक है। एक और चीज आपको ये मैं बता दूं कि जो आपके पास ये होता है ना पोटेशियम, जो सिंपल मैंगनेट होता है, मैंगनेट का आपके पास जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है, यानी जहां जो भी आपके पास मैंगनेट के कंपाउंड्स होते हैं ना सिंपल मैंगनेट, वो आपके ग्रीन कलर के होते हैं, और जहां जहां भी आपके पास पर मैंगनेट आता है वो आपके पास डार्क पर्पल कलर में होता है, ठीक है। पर्पल मैंगनेट आपके पास अमूमन ये जिसे आपको ये पाउडर नजर आना है सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और फिर इसको वाटर में डिजोल्व करके यूं आपको डार्क पर्पल कलर में नजर आता है, ठीक है। और वैसे आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर, चूंकि आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे टाइट्रेशन के हैं, और सॉरी सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, बिट कंफ्यूज्ड, आपके टाइट्रेशन के आपके रिएक्शंस होते हैं, और टाइट्रेशन में आप हमेशा अगर आप रिकॉल करो पोटेशियम पर मैंगनेट को यूज करते होते हो, और पोटेशियम पर मैंगनेट से आप कहानी स्टार्ट करते हो, और फिर आप क्या करते हो कि पोटेशियम पर मैंगनेट के अंदर आप कोई ना कोई सॉल्ट डालते हो, और फिर उस वो सॉल्ट जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम परमैंगनेट उसको, ठीक है। अभी हम आते हैं इस बात के ऊपर, टाइट्रेशन और इसकी डिटेल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इसकी प्रिपरेशन अभी हमने देखी, इसको मैं ओवरव्यू एक दफा फिर से बता देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि आप एक मिनरल है पायरोलुसाइट, आप इसको क्या करते हो कि इसको आप ऑक्सीडाइज कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो, पोटेशियम क्लोरेट कर सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट कर सकते हो, इटसेल्फ ऑक्सीजन भी कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH आप ये रिएक्शन करवाते हो, आपके पास सिंपल मैंगनेट आ जाता है पोटेशियम मैंगनेट, और फिर पोटेशियम मैंगनेट को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये तो एक रिएक्शन था, इसके अलावा एक और भी रिएक्शन होता है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल मैंगनेट को परमैंगनेट के अंदर, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम है स्टेडलर्स प्रोसेस। अब स्टेडलर्स प्रोसेस में आप क्या करते हो कि बेसिकली आप सिंपली क्लोरीन पास ऑन करते हो, क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस है, इसको आप पास ऑन करते हो किसके अंदर से, मैंगनेट के अंदर से, KMnO4 K2MnO4 के अंदर से आप सिंपली क्लोरीन को पास करते हो। आप ये पढ़ चुके हो कि क्लोरीन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, तो जब आप क्लोरीन बीच में ऐड करोगे इसके तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन का चार्ज क्या है, जीरो, ठीक है, और क्लोरीन जो है ये आपके पास KCl में चेंज हो जाएगा, जहां पे क्लोरीन का चार्ज -1 आ जाता है, क्लोरीन जीरो से -1 जा रहा है, इसका मतलब है इसका चार्ज कम हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, और ये खुद रिड्यूस होने के बाद क्या करेगा कि मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर देगा, और मैंगनीज यहां पे K2MnO4 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड कर रहा है, 6, तो मैंगनीज यहां पे ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट ये बना देगा अपना कंपाउंड, K2MnO4 की बजाय ये क्या करेगा KMnO4 बना देगा, ठीक है, क्योंकि मैंगनेट पर मैंगनेट में आपके पास -1 चार्ज होता है यहां पे, और मैंगनेट यहां पे मैंगनीज यहां पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये तो सिंपली स्टेडलर्स प्रोसेस हो गया। स्टेडलर्स प्रोसेस के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि एक तो आपने क्लोरीन यूज किया ना, क्लोरीन गैस, आप इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप पोटेशियम मैंगनेट लो, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन जो है आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन रिएक्शंस को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप सिंपली एक कंसेप्ट अपने जहन में रखो कि आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इंक्रीज करने के लिए इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिंपली इसके चार्ज को आप 6 से 7 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो यहां पे अगेन आपके पास KMnO4 बना देगा, ठीक है, और साथ में मिनरल पायरोलुसाइट बन जाएगा आपके पास, और साथ में KHCO3 जो कि आपके पास पोटेशियम बायकार्बोनेट होता है। अब पोटेशियम बायकार्बोनेट क्यों प्रोड्यूस हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया था ना, तो ये आपके पास कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जो कार्बोनिक एसिड है आपके पास ये किस तरह आपके पास डीकम्पोज होता है, ये आपके पास यू डीकम्पोज होता है, ठीक है। तो आपके पास ये बायकार्बोनेट आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो पोटेशियम आपका सेपरेट आउट हो जाएगा यहां पहले मैंगनीज के इसके मैंगनेट आयन के साथ, तो जो ही सेपरेट आउट होगा वो पोटेशियम इसके साथ पहले रिएक्ट कर जाएगा और पोटेशियम बायकार्बोनेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास प्रोसेस होता है इसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पोटेशियम पर मैंगनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो प्रोसेस है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वैसे आप बहुत दफा पढ़ चुके हो अपने केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके अंदर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपके पास इसमें क्या होगा, K2MnO4
O4 पोटेशियम मैंगनेट आप यूज करोगे, एक्वस सॉल्यूशन इसका आप यूज करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो होता यह है कि ये वाटर और इसके जो आयंस हैं ये डीकंपोज हो जाते हैं, H प्लस ओ एच माइनस, और ये पोटेशियम आपके पास K प्लस और MnO4 माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब होगा ये कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास एक अदद कैथोड होता है और एक अदद एनोड होता है, कैथोड हो गया एनोड हो गया, और यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ढेर सारे चार्जेस होंगे, फिर आप ये करोगे कि ईएमएफ सीरीज के अंदर देखोगे, लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप ईएमएफ सीरीज में आपको डिटेल में बता चुका हूं, ईएमएफ सीरीज में जो आपके पास ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा ना वो आपके पास वाटर का हाइड्रोजन आयन होता है, पोटेशियम के जो आपके हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा आपके पास, और हाइड्रोजन आयन वहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और आपके साथ आप ये सोच रहे होगे कि पोटेशियम तो सबसे नीचा था ईएमएफ सीरीज के अंदर, तो मैंने हाइड्रोजन का क्यों रिएक्शन करा दिया यहां पे। बेसिकली आप जो अपने जहन में कंसेप्ट रख रहे हो ना, आप पोटेशियम का उस सेंस में रख रहे हो कि पोटेशियम ऑक्सीडाइज जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है ना पोटेशियम का सबसे ज्यादा होता है। पोटेशियम अगर आप रिकॉल करो ना, ईएमएफ सीरीज में पोटेशियम जो है वो सबसे नीचे होता है, इसका मतलब है ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, यहां पर रिडक्शन होती है। तो हाइड्रोजन के साथ यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एड हो जाएगा, रिडक्शन होगी, आपके पास हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और दो फॉर्म आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो है आपकी कैथोड पे लिबरेट हो जाएगी बबल्स की फॉर्म में, ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी। आपके एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपके पास ये होगा कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल आयंस है ना, अभी आपकी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखते हैं सिंपल मैंगनेट आयन के निस्बत, ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस है ना, ये आपके दो हाइड्रोक्सिल आयंस मिलेंगे, ये आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, साथ में ये आपके क्या करेंगे कि आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन का ये बनेगा एटम, और साथ में आपके पास क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ, ये बेसिकली मैंने रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपका हाइड्रोक्सिल आयंस जो है ना वो आपके वाटर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बनती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये आपकी क्या करती है, ये आपकी रिएक्ट कर जाती है MnO4-2 के साथ, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये उसको फौरन ऑक्सीडाइज कर देती है और उसको क्या बना देती है, MnO4-1, उसकी ऑक्सीडाइजन जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको वो एक इंक्रीज कर देती है, उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस का ओवरऑल जो आपके पास रिएक्शन बनता है वो ये बनता है कि आप पोटेशियम मैंगनेट के अंदर ऐड कर रहे हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन को, और आपके पास MnO4 और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास कुछ हाइड्रोक्साइड आइंस भी होंगे इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, और वो आपके साथ पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे आपके पास। और इस रिएक्शन के अंदर भी आपके पास ये होता है, जब आप ये रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपके पास पहले ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है जब तक आपने पोटेशियम मैंगनेट डाला हुआ होता है, फिर जब वो पर मैंगनेट पे कन्वर्ट होता है तो वो ग्रीन से उसका कलर जो है वो चेंज होके पर मैंगनेट जो है वो पर्पल कलर में आ जाता है, ठीक है। तो आपके जितने भी रिएक्शन है जिसमें मैंगनेट पर मैंगनेट में चेंज हो रहा है, ये हमेशा ग्रीन टू पर्पल ट्रांजिशन होती हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको अंडरस्टैंड करना या समझना, रिएक्शन को देखना बहुत ईजी होता है। इसके बाद आपके पास पोटेशियम पर मैंगनेट जो है इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रॉपर्टीज, और साथ में हम इसके मुख्तलिफ रिएक्शंस देखेंगे और टाइट्रेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, टाइट्रेशंस में क्या हो रहा था, और फिर एंड पे हम लोग इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। और चूंकि लेक्चर काफी इलॉन्गेट होता जा रहा है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे डाल देते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर पे हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को।